रामनगर के राम मंदिर में वट सावित्री अमावस्या के अवसर पर सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु और कुशलता के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। सैकड़ों सुहागिन महिलाओं ने नगर के विभिन्न मंदिरों में वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और वट वृक्ष के धागे से अखंड सौभाग्यवती होने की मन्नत मांगी। सुबह से ही मंदिरों में सुहागिनों की भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर सुहागिनों ने सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण किया। सुहागिनों की माने तो अखंड सौभाग्य, धन धान्य व संतान की प्राप्ति व कुशलता के लिए यह व्रत रखा जाता है। महिलाएं पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों में यह पर्व अब उत्सव का रूप ले चुका है और हम लोग आज वट वृक्ष की पूजा के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे सारी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत कर रही हैं और मैं भी इसीलिए ये व्रत करती हूँ क्योंकि मेरे पति की भी सत्यवान की तरह आयु बढ़े और हम लोग आज इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे कलावा अक्षत पिठिया वगैरह करके हमने ये पूजा की है। पकवान बना के लाते हैं लोग हर तरीके से और खरबूज चढ़ाया जाता है इस पूजा में। और ये जो अभी चक्कर लग रहे हैं कलावा पकड़ के ही सारी परिक्रमा हो रही है। इसमें 7, 12 और 11 का महत्व है। लाइव उत्तराखंड के लिए रामनगर से चंद्रसेन कश्यप की रिपोर्ट।